बसपा ने अपना बिल्लौहर विधानसभा से मधु सिंह गौतम को प्रत्याशी प्रभारी के रूप में घोषणा की। यूपी इलेक्शन को लेकर बसपा पूरी तरह से चुनावी मोड़ में आ गई। इसके चलते अब उसने अपने प्रत्याशी की घोषणा करना शुरू कर दिया। कानपुर में बसपा ने अपना विधानसभा प्रभारी घोषित कर दिया। बिल्लौहर विधानसभा से बसपा ने मधु गौतम को अपना प्रभारी घोषित किया। बिल्लौहर में आयोजित जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में सेक्टर प्रभारी नौशाद अली ने उनके नाम की घोषणा की। इसके साथ ही उन्हें टीम के साथ क्षेत्र में काम करने को कहा गया। आपको बता दें कि बसपा का रिकॉर्ड रहा है कि वह चुनाव से पहले अपने प्रत्याशी घोषित करती है। इस बार भी बसपा ने प्रत्याशी की घोषणा काम शुरू कर दिया है। हालांकि बीएसपी विधानसभा प्रभारी बनाती है और कई बार चुनाव से पहले प्रभारी की बदल देती है। आपको बता दें कि मधु गौतम ग्राम चीतामऊ की रहने वाली बसपा से कार्यकर्ता रूप में कार्य करती रही। उनको इसके पहले कई जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। बसपा के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बीएसपी के सेक्टर प्रभारी ने लोगों से विधानसभा चुनाव में बसपा को जिताने की अपील की। वहीं इस दौरान बीजेपी कांग्रेस और सपा की खामियां भी गिनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी आप लोगों ने क्षेत्र पंचायत ग्राम और जिला पंचायत के चुनाव देखे। इन पंचायतों में कितनी गुंडागर्दी, इतनी गुंडागर्दी तो मैंने कभी नहीं देखी। सारा नहीं देखी सारा। और इतना ही नहीं, आज पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है, कहीं कोई लाइन ऑर्डर दिख नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसमें भी गुंडागर्दी की चरम सीमा पर। सभी सम्मानित साथी अपने स्थान में रहे। समाजवादी पार्टी अभी की सरकार में वजह से सब लोग मीडिया से रूबरू है। शामली और मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ है उस दंगा को कोई भूल नहीं सकता। इतिहास में इतना बड़ा दंगा जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर शामली में हुआ उसको कोई भूल नहीं सकता है। और साथियों, आज इन सब बातों को देखते हुए क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं, आज बहुजन समाज पार्टी के नेता, हम सबकी नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चार बार जहां मुख्यमंत्री प्रदेश में रही जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम सबकी सम्मानित है। आज माननीय बहन जी को पूरा प्रदेश उनके लाइन ऑर्डर उनके विकास को याद कर रहा है। और 2022 का जो होने वाला चुनाव है जनता चिल्ला रही है कितनी जल्दी हमें वोट डालने का मौका मिले। और जैसे ही मौका मिलेगा